संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति से मेले की शुरुआत हो जाएगी, जो महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ ही संपन्न होगी। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मेले की भूमि कटान की वजह से कम होने के कारण 650 बीघे के बजाय 500 बीघे में बसाया जाएगा। 6 पाटन पुल का निर्माण भी कराया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर 2 पाटन पुल की और मांग की जा रही है, यानी कि कुल 8 पाटन पुल बनाए जाएंगे। पुलिस विभाग ने मांग की है, माघ मेला 2022 की सुरक्षा में नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक मेला राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगभग पिछले वर्ष की तरह ही रहेगी। पूरे मेले क्षेत्र में स्थानार्थियों के लिए घाटों पर टीप बैरिकेडिंग की जाएगी। इसके अलावा पीएससी फ्लड की 4 कंपनियां तैनात की जाएंगी। चारों कंपनियों के लोग कुशल तैराक होंगे, ताकि आपातकाल की स्थिति में डूब रहे व्यक्तियों को बचाया जा सके। सभी स्नान घाटों पर गोताखोर लगाए जाएंगे, जो किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होने पर तत्काल रेस्क्यू कर सके। इसके अलावा मेले में आए श्रद्धालुओं से चोरी छिनौती की घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए ड्रोन कैमरे से पूरे मेले क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी पूरे मेले क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। विशेषकर भीड़ भाड़ वाले जगह घाटों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए 15 राजपत्रित अधिकारी, जिसमें डीएसएल एसपी क्षेत्र अधिकारी रैंक के अधिकारी रहेंगे। देखिए, 2 विषय वस्तु हैं। एक है स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए, तो जो हम लोग जितने भी स्नान घाट हैं वहाँ पर हम लोग एक प्लास्टिक बैरियर्स के माध्यम से एक रिवर लाइन बैरिकेटिंग करते हैं, डीप वाटर बैरिकेटिंग करते हैं, और साथ साथ स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए हम 4 फ्लड कंपनियाँ भी तैनात की जानी प्रस्तावित हैं, जिसमें कि सारे जो फ्लड कंपनीज पीएसी की जो फ्लड कंपनीज होती हैं, इसमें सारे जवान जो है वो कुशल तैराक होते हैं। इसके अलावा हम 30 प्रशिक्षित जो गोताखोर सारे स्नान घाटों पर उनको तैनात करते हैं, जिससे कभी कोई घटना दुर्घटना होने की स्थिति में वो तत्काल प्रतिक्रिया कर सकें और किसी व्यक्ति की जान की सुरक्षा कर सकें। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न आपका है कि जो चोरी छिनैती की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार हम लोग इसमें पेट्रोलिंग पार्टीज लगाते हैं, सारे घाटों पर गश्त व्यवस्था की जाती है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24/7 हम लोग जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसके माध्यम से भी मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। सर, इसमें कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है? बड़ी संख्या में, जितना विगत वर्षों में फोर्स हमारा व्यवस्थापित किया गया है उसी के अनुरूप हम लोग इसमें लगभग 15 राजपत्रित अधिकारी, जिसमें कि एडिशनल एसपी और क्षेत्राधिकारी रैंक के अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। उसके अलावा 20 जो है इंस्पेक्टर साहबान हैं और 400 सब इंस्पेक्टर साहबान हैं। इसके अलावा लगभग 2000 से अधिक आरक्षी हैं, 12 कंपनी पीएसी है, आरएएफ की टीमें हैं, एटीएस की टीमें हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, माउंटेड पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, फायर पुलिस है, बहुत सारे जो हमारे पुलिस के विभिन्न अंग हैं, सभी को तैनात करके हम इस माघ मेला को सफल संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं।